आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमी त्यागी क्लासेस पर। बच्चों, आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल कराने वाले हैं आपको। और आज जो न्यूमेरिकल कराऊंगा वो कूलाम के नियम से सॉल्व होंगे ये न्यूमेरिकल, ठीक है। कूलाम के नियम पर हम कराएंगे, साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी आवेशित वस्तु में होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉनों से कोई वस्तु आवेशित हो जाएगी। अगर आवेशित कोई वस्तु हो रही है तो वो धनावेशित हो रही है या ऋणावेशित हो रही है, या किसी वस्तु पर धनावेश है और ऋणावेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, इस टाइप के आज न्यूमेरिकल हम कराएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। आवेश के अनुसार कैसे बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा। तो देखिए, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है माइनस पे 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कूलाम आवेश का मात्रक होता है। तो बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब हम जानते हैं कि माइनस का आवेश है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे यानी कि वृद्धि हो जाए, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, वृद्धि, तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का आवेश है ना, माइनस आवेश बढ़ता जाएगा, तो इट मीन्स नेगेटिव आवेश बनेगा, कैसा बनेगा, ऋणात्मक बन जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, ऋणावेश वस्तु बनेगी। अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो कैसा बनेगा, ऋणावेश बन जाएगा। अगर यहीं पर उल्टा कर दें कि इलेक्ट्रॉन की कमी कर दें, क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन की कमी कर दें, तो आवेश कैसा बन जाएगा, कमी होने पर जो ऋण का आवेश है वो कम हो जाएगा, तो बचेगा क्या, धनावेश बचेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये धन आवेश बन जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर बोलते हैं कि पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो आवेश कैसा होगा, आपको बताना है ऋणावेश होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो उसका मतलब आवेश धनावेश होगा, ठीक है। आप दो चीज़ समझ गए कि धनावेश आवेश है तब बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, आवेश ऋणात्मक कह दें तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आवेश की वैल्यू कितनी है ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग जानते हैं, क्यू बराबर एन ई, ये फॉर्मूला होता है आवेश निकालने के लिए। यहाँ पर जो एन है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कि कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और जो ई होता है वो ये है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस के चिन्ह को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर माइनस हमें ये बता रहा है कि आवेश ऋणात्मक है, ठीक है, आवेश की प्रकृति को बता रहा है। तो आइए आज हम इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ आने वाला है और आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार की ये जो क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ यूपी बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में भी ये पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे कि अगर हम कोई नया न्यूमेरिकल का वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो देख पाएँ, ठीक है। तो इस सवाल को मैं कराने जा रहा हूँ। सवाल में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे 4.8×10⁻¹⁹ कूलाम से धनावेश करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ये ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 4.8×10⁻¹⁹ कूलाम का आवेश है, क्यू बराबर कितना है 4.8×10⁻¹⁹ कूलाम। हमसे कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकालें, जब कितने इलेक्ट्रॉन की बात हुई है इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, तो कितने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो क्वेश्चन मार्क हमें निकालनी है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं, ये आपको याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ज़्यादातर सवालों में दिया होता है, अगर किसी सवाल में आपको नहीं गिवन है तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। फॉर्मूला हम बनाएंगे, Q=n ही फॉर्मूला है, तो Q=n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला बन जाएगा ये e नीचे आ जाएगा Q/E, अर्थात n बराबर फॉर्मूला होगा हमारा Q/E। यहाँ से Q की वैल्यू लिखेंगे 4.8×10⁻¹⁹ E की वैल्यू लिखेंगे
1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है इसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस का जो साइन है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति को बता रहा है कि आवेश हमारा ऋणात्मक है, ठीक है। इसीलिए सॉल्व करते समय माइनस या प्लस के साइन नहीं लेंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। जब पॉइंट के बाद डिजिट बराबर होंगे तो हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, तो इससे सीधे कैंसिल हो गया पॉइंट से पॉइंट, और 16 * 3 = 48, 10⁻¹⁹, 10⁻¹⁹, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, = 3। तो n बराबर 3, यहाँ से हमारा आ गया कितना इलेक्ट्रॉन, n बराबर 3 इलेक्ट्रॉन। जब हम 3 इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से निकाल लेंगे तो ये आवेश कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो बच्चों ने मुझसे कई बार पूछा है क्लास में, तो साथ ही आपको भी ये क्वेश्चन जानना चाहिए। N14 ये क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि ये नाइट्रोजन है और हमसे कहा जा रहा है कि इस नाइट्रोजन के नाभिक पर कितना आवेश है ये हमें बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, 9th क्लास में लगभग ये फॉर्मूला आ जाता है, अदरवाइज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा कि जेड बराबर ई बराबर पी। इसका मतलब होता है जेड बराबर परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटोनों की संख्या। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या से काम है, ये देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या एन को कहते हैं, तो जेड बराबर ई बराबर पी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटोन की संख्या, यही कहलाई हमारे लिए क्या, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मतलब जेड कौन सा होता है, जेड ये नीचे वाली वैल्यू होती है, आप लोग जानते हो परमाणु क्रमांक। इसका मतलब एन बराबर कितना हो गया हमारे लिए, 7। अब इस सवाल में कुछ नहीं बचा, हमारे पास एन की वैल्यू आ चुकी है, आसानी से हम इस सवाल को कर सकते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला है क्यू बराबर एन ई। तो क्यू बराबर एन की वैल्यू कितनी है, 7। ई की वैल्यू हम जानते हैं माइनस के 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। आप लोग जानते हैं कि इस माइनस को हम कैलकुलेशन करते समय नहीं लेंगे क्योंकि माइनस केवल और केवल किसको बता रहा है, आवेश की प्रकृति को। तो 1.6 × 10⁻¹⁹, तो यहाँ से हो जाएगा 16 * 7 = 112। ये पॉइंट एक अंक के बाद है तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद लग जाएगा, यहाँ लगा × 10⁻¹⁹। आप लोग जानते हैं कि 1.12 × 10⁻¹⁸ हो जाएंगे यहाँ कूलम, ये हमारा आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये कह रहे होंगे कि सर ने 11.2 को कर दिया 1.12 और यहाँ पावर पहले 19 थी माइनस के और अब 18 हो गई है माइनस के, तो ये समझ में नहीं आया, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है। तो इस डाउट को क्लियर करते हैं हम इस तरीके से, आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारा दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव के इस तरफ होता है LHS, आप लोग जानते हैं, और उस साइड होता है RHS। तो देखिए आज के बाद आप इस चीज़ को भूल जाएंगे, कभी भी गलती नहीं होगी आपसे इस टाइप से अगर पावर चेंज करते हैं, तो आपको केवल ध्यान रखना है LHS। अगर आप अपने इस दशमलव को LHS में लाएंगे, LHS में जितने अंक आगे लाएंगे उतने ही अंक 10⁻¹⁹ में प्लस में चलते जाएंगे। अगर आप जितने डिजिट 3 डिजिट आगे आ रहे हैं तो प्लस 3 कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाए, इसका मतलब हमने एक को पार किया, एक डिजिट को पार किया यहाँ से यहाँ आए, तो हमने क्या किया 10⁻¹⁹ कर दिया। जैसे ही प्लस 1 करेंगे इसमें तो कितना बचेगा, -18 बचेगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही अगर हम पॉइंट को RHS में ले जाएंगे तो फिर 10⁻¹⁹ माइनस में चलती जाएंगी। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद नहीं रखनी है, केवल एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम पॉइंट को LHS में लाएंगे 10⁻¹⁹ प्लस में चलती जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार के सवाल हम आपको कराते जाएंगे, ये आज का सेशन था, और इम्पोर्टेंट सवालों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलते रहे, और इस जो सेशन है उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।